नाम तो ऐसा बनाऊंगी कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। मेरा नाम याद रखिएगा, साइली। साइली बाबा, क्या है इसका नाम? जो है उसके नाम से अनजान, कैसे देगा उसे सपनों की उड़ान। क्या कर रही हो? ऊपर देखो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं अबीर? हम यहाँ तारे गिन रहे हैं। तुम मेरे साथ तारे नहीं गिनना चाहती? अब मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अबीर प्लीज, यहाँ नहीं। तुम्हें पता है, वो तारा अपने बेस्ट फ्रेंड उस तारे से क्या कह रहा है? नहीं। वो कह रहा है, कैसी बीवी है, अपने पति को छूने तक नहीं दे रही। और तुम्हें पता है उसका बेस्ट फ्रेंड तारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कैसा हस्बैंड है, अपनी वाइफ को छत पे सुला रहा है जहां कोई भी आ सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे ये कह रहा है कि ये कैसी मेरी वाइफ है, कहीं आज भी कल रात की तरह सो तो नहीं जाएगी। मैं कितनी बार सॉरी बोलूं? एक बार भी नहीं। एक्चुअली मिस्टी, मैं तो बहुत खुश हुआ था कि तुमने मेरे साथ इतनी अच्छी नींद आई। अब तुम पूरी लाइफ मेरे साथ हो, तो मेरे लिए तो हर नाइट स्पेशल होगी। एक बात कहूं, तुम उनका मजाक मत उड़ाया करो। इनका? माँ। अबीर, अगर तुम ऐसा करते रहोगे ना, तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम ऐसा करने को कहती हूँ। और अगर मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया ना, तो उन्हें लगेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजकोट के सारे डॉक्टर्स के पास मेरा चेकअप करवा लेंगे। अबीर, तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, हर चीज में मेरे से इतना सपोर्ट करते हो, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे कहूं? मैं बताता हूँ, यहाँ मुझे तारे देखने। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं किसी बाहरवाली के साथ चक्कर चला लूंगा। अच्छा? हाँ। फिर मैं बिग बैंग की टीम ज्वाइन कर लूंगी। I wish मैंने ये मोमेंट रिकॉर्ड किया होता, फिर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करता और तुम्हारा मूड चेंज करवाता। अच्छा? अरे ओके। अबीर ब्रो, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। कुणाल भी अच्छा था, मम्मी और मामा जी भी परफेक्टली फाइन लग रहे थे। कहीं मैंने माँ की कॉफी में तो गोलियां नहीं मिला थी। अच्छा, अबीर ने कल रात क्या खाया पिया था? वही खाया था जो सबने खाया था, फिर पारुल मासी वाली कोल्ड कॉफी पी थी। हाँ, लेकिन वो तो हम सबने पी थी ना, फिर सिर्फ अबीर की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? कहीं अबीर की कॉफी में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया? डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, बाहर से घर में कोई भी नहीं आया था, हम सब साथ में बैठे थे। पता नहीं अबीर को अचानक से क्या हो गया। आप प्लीज अबीर को जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमें मंदिर पहुंचना है। मैं इंजेक्शन दे तो दूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अबीर ने कोई नशा तो। एब्सोल्युटली नॉट डॉक्टर, अबीर ऐसा कुछ नहीं करता। मैं ब्लड सैंपल ले लेता हूं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करके पता लगाना होगा कि इसके सिस्टम में ऐसी क्या चीज है, ये उठ भी नहीं पा रहा। मुझे माँ को फोन करके बता देना चाहिए। अबीर, अबीर, अबीर तो होश। अबीर, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो कुणाल, किधर हो तुम? जल्दी वापस आओ ना, #helpme। कुहू में घर आऊं चेक करने के भाई यहाँ पे है कि नहीं, उसके बाद मैं आ ही रहा हूँ। वहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, तुम उनसे हेल्प ले लो। हाँ सब है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अच्छा, सिर्फ मेरी क्यों? वो मुझे शिव जी पे ना पेट्रोल चढ़ाने के लिए एक अम्ब्रेला बनाना था, और यहाँ किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तुम आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये भी तो अबीर ब्रो के लिए होगा ना, वो कितने खुश होंगे, है ना? ओके, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई है कि नहीं, उसके बाद मैं आ ही रहा हूँ। ओके बाय।
कुणाल भैया आप यहाँ? हाँ भाई को देखने आओ, पहुँचे नहीं ना अभी तक। पर भैया तो घर पे है ही नहीं। घर पे नहीं है तो कहाँ है, उनका फोन भी नहीं लग रहा। वो उनको शिव जी के लिए कोई स्पेशल हार लेना था तो वही लेने गए हैं, शायद वहाँ नेटवर्क ना हो इसलिए फोन ना मिल रहा हूँ। अगर उनका फोन लगे तो बोल देना मुझे कॉल करे, ओके? हाँ पक्का पक्का। मैं मंदिर जाता हूँ फिर। जी डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, कुणाल भैया अगर आपको देख लेते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है मिस्टी जी को बोल देना मैं रिपोर्ट मेल कर दूंगा। जी अभी जुगनू भैया ऑटो मंगवाइए। जी लाया। अभी मैं कितना चार्मिंग हूं ना, तुमने अभी तक खुद को देखा भी नहीं है। देखा है ना तुम्हारी आंखों में, और तुम्हारी आंखों में मुझसे ज्यादा चार्मिंग कोई हो ही नहीं सकता। अबीर तुम्हारे जोक्स भी तुम्हारी तरह नींद में। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कल रात को कोल्ड कॉफी के बाद कुछ पिया था, कुछ खाया था क्या? एक चम्मच मिष्टी। स्टॉप इट अबीर, हमें पूजा के लिए लेट हो रही है, तुम यहाँ बैठो। नहीं मिष्टी, प्यार ही पूजा है और पूजा ही प्यार है। मिष्टी, आई यू लव, कुछ गलत हो गया ना? आई यू लव टू अबीर, लेकिन अब मुझे रेडी होना है प्लीज। एक बात बताओ, तुमने सोचा है कि हम आ जाके सबसे क्या कहेंगे कि हम दोनों लेट क्यों हो गए? जब तुम मेरे सामने होती हो ना मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। अबीर अबीर तुम तो गिर रहे हो यार तुम्हारे प्यार में। मुझे डॉक्टर अंकल से कह देना चाहिए था कि उनका इंजेक्शन कोई काम नहीं कर रहा। अगर मैं गिर रहा हूँ तो तुम मुझे संभाल लो ना, मैं संभल जाऊंगा। अभी क्या कर रहे हो, मुझे प्यार होने दो। दो अगर उन्होंने हमसे पूछा हम लेट क्यों हुए तो हम कह देंगे कि मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना पा रहा था। अबीर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो अबीर? मैं देख रहा हूँ। अब चलो बहुत लेट हो गई। एक सेकंड। मैंने कुणाल भैया को बोल दिया कि आप दोनों स्पेशल हार लेने के लिए गए हो। कुणाल को कब? अरे वो आए थे आपको ढूंढते हुए। आपको उसे सच बताना चाहिए था ना, वो हमारी मदद कर सकता था। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, उसका फोन आया तो बोला कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। अभी अरे 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 उस तरफ वो आ गया। दादा चलो चलो चलो। अबीर अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? मिस्टी तुम्हारी आवाज में जादू है। ये सब कैसे हुआ? अभी लिसन टू मी, हम वहां पहुंचेंगे ना तो मैं सबसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें एक पेन किलर दे दिया था जिससे तुम्हें नींद आ गई। नहीं कहना तुमने मुझ पे जादू कर दिया, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। अगर मैंने अभी डर के मारे अपना फोन नहीं ऑफ किया होता ना तुम्हारा वीडियो बना लेती। सो जाओ, एक बार बस एक पूछा हो जाए, पता लगाना पड़ेगा कि अपने ही घर में अबीर के साथ ऐसा कौन कर सकता है। डॉक्टर ने कहा था कि वो रिपोर्ट्स मेल कर देंगे, अब तो फोन ऑन करना ही पड़ेगा। अबीर आराम से। सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे, चलो आराम से। डॉक्टर का भी मैसेज नहीं आया। अबीर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ओके, अब तुम सिर्फ पूजा कर लेना।
बाद में मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, ओके? मिस्टी, आई नो, जब तक तुम मेरे साथ हो सब ठीक है। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, बट आई बी फाइन। अबीर। सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।